¡Claro! गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं जा रहा हूँ स्टेशन। मम्मी पापा आ रहे हैं, मतलब आपको पता चल गया होगा, पहले के ब्लॉग में शिवानी ने बताया होगा। मम्मी पापा सरप्राइज़ दे रहे हैं, शिवानी के मम्मी पापा आ रहे हैं दिल्ली से, तो उनको लेने जा रहा हूँ। और नींद नहीं हुई है, नींद सोए नहीं है, क्योंकि रात को 3:30-4 बज गया था हम लोग को लौटने में। हम लोग दुर्गा जी घूमने गए थे, देखने गए थे। मम्मी पापा दीपा भी साथ में रहेंगे हैं। देखिए नींद, देखिए आँखों में कैसे नींद भरी, क्योंकि हम लोग सोए ही नहीं है। उसके बाद सो जाएंगे 15-20 मिनट पहले, 7 बज रहे हैं। डुगू सोया ही नहीं है। डुगू और जिया दोनों अभी 15-20 मिनट पहले सोए, तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाए। क्योंकि अगर हम लोग वही सोच रहे थे, अगर मैं सोता तो मैं तो उठ ही नहीं पाता। ये मेरे फेस से लग रहा है, मैं मुंह धो लिया अच्छे से, कंघे वंघे कर लिया हूँ कि मैं सोया नहीं, ऐसा लग रहा है। आपको देख के तो पूरा लग रहा है, मेरे को देख के नहीं लग रहा क्या? कचरा आ गया भाई, पूरा कचरा ले जाए वो आके। ओ हाँ, कचरा निकाल गाड़ी वाला यार। तुमने मुझे किया था कचरा निकाल, हमने एक राखी साउंड वाला बनाया था उस टाइम पे। तो जाऊँ बेटा मैं, 7:40 पे गाड़ी आनी है, 7 बज गया, यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि जबलपुर की हालत बहुत ख़राब है रोडों की, फ्लाईओवर बन रहे हैं, हर जगह की रोड टूटी पड़ी है, तो लेट हो जाते हैं कहीं भी जाने में, है ना। मेरे पहुंच चुके हैं, राजा गए हुए हैं, और मैं भी थोड़ी सी बालकनी क्लीन करने जा रही हूँ। बालकनी क्लीन भी क्या, बालकनी क्लीन है, डुगू ने खिलौने रखे हुए हैं, तो खिलौने जो हैं वो अलग करने वहाँ से, ये पूरे फैलो लाइक एक जगह भरने जा रहे। बाकी दोनों बच्चे सोए हुए हैं, मम्मी दीपा पापा, इन दोनों से मिलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, बट हमारे दोनों जनाब सोए हुए हैं, तो चलिए उनका वेट करते हैं। अरे राम लाडो, दिखा रहे मेरा बच्चा नहीं है। बड़े प्यारे बड़े प्यारे, और ये बनेंगे।
पापा ने हम तो मेरे तीन हुए थे आगे पीछे आगे पीछे या तीन बच्चों का एक्सपीरियंस मैं बहुत सारी चाल डाली आज उठ गया है डुगू मैं बना रही हूँ दाल चावल हम लोग को घूमने के लिए जाना है तो मम्मी पापा कुछ खाने को तैयार नहीं है बट फिर मैंने बहुत वैसे अब देखिए यही होता है कुछ खाने का वैसे कुछ ऐड मतलब अपना मन ही नहीं कर रहा था फटाफट दाल चावल बना रही दाल हो रही है चावल भी हो गए बस तड़का लगा रही मम्मी सब्जी आज में नहीं खाओगी आप सब्जी मैंने सैलेड काट लिया है और ना पापड़ कर लिए हैं गेहूँ की दाल हो गई है अभी मम्मी बहुत सारा अचार बहुत सारा घी लाई है मैं दिखाऊंगी कल हम लोग निकालने वाले हैं आम का अचार मम्मा ये वो डब्बा लीक कर गया क्या कर रही अचार का डब्बा लीक हो रहा है नीचे घी ऊपर से आ रहा है तेरे भैया नहीं पता तो दूसरा टुकड़ा है ना थोड़ा हां
तो ये है एक डब्बा, क्योंकि हम लोग को भी रात में तो वैसे ही घूमने जाना है, तो खंडारा हो जाएगा, प्लस फिर हमारा डिनर भी हो जाएगा। दीपा मम्मी तो खुल भी नहीं, मम्मी तो खुल भी नहीं। तब से चिल्लाड़ी को जान नहीं दे रहा है, कब आने के लिए कह रही है, बता ले रहा मैं लेट है। क्या भाई पूछ रही है, आओ हंस हंस के कैसे कुछ हो रहा है, अब कल तक नॉर्मल होंगे, उसके बाद जाके थोड़े होश में होके बात कर पाएंगे, तब बात करेंगे, नहाने जा रहे हैं, खाना पीना भी चल रहा है, वो तो खाना कैसा लगा आपको मेरा, बहुत बढ़िया खाना बना, और उसके अलावा कुछ खाया नहीं मैंने, राजमा भी नहीं खाती, कारण क्या, रवि मामा जी का खाना बनाया था जब वहाँ पे गई मैं गुड़गांव में, हाँ तो खाना बनाया, खाना बना बना के इतना वो चढ़ गया, उससे तबीयत खराब थी क्या, हाँ और दे दो एक गोली ना, तो इतना चढ़ गया था वो खाना, जब मैं खाने बैठी खाते एक चम्मच खाते ही उल्टी हो गई, बस वो गई, और आज तक इतनी एज हो गई है, जब 16-17 साल की थी जब मैं की बात है, ये पता क्या हुआ है, दीवा पसंद आ गई, ओ मम्मी ये वन वन मैं नहा के आ गई हूँ और डुगू को भी नहला दिया है, अभी मिस्टर मयंक सिंह जी घर वापस आए थे और पता नहीं कैसे का मैच देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, ये ना चाय बच गई थी तो इस चाय को मैं गर्म कर रही हूँ मम्मी मेरे लिए, ये बहुत ही प्यारी, अभी दिखाऊंगी मैं अपने, ओह कोनी कोनी, हाँ बेबी चलो कपड़े चेंज करेंगे तुम्हारे, तो मैंने निकाल लिए हैं डुगू जो है कपड़े, डुगू पहने का फुल, और हम लोग जा रहे हैं खूब सारी मस्ती करने, जिया पहने की ये, मैं पहन रही हूँ सलवार सूट अपना ये वाला, क्योंकि घूमना है ना, तो उसके बाद ये है जिया, हाय जिया, तो आज जो वीडियो हम लोगों ने ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि हम लोग आपसे ही बात कर रहे थे, राजा मुझ पर आके बोल रहे थे कि तुमने दाल चावल खिलाया और कुछ नहीं मिला तुम्हें खिलाने के लिए, फिर मैंने बोला वो भी नहीं खाने को तैयार थे वो लोग, तो मैंने बड़ी मुश्किल से डुगू के लिए बनाया, तो फिर मैंने बोला मैं सबके लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं आराम करूँ, मैं कुछ ना करूँ, ऑब्वियसली यार है ना, मैं बोली कल वल देख लेंगे कुछ खा लेंगे, और आज हमें वैसे भी घूमने जाना था, तो आज है नवमी, सबको अ वेरी हैप्पी रामनवमी, कल क्या है दशहरा, तो मैं जा रही हूँ अभी तैयार होने, ये बड़ी खुश है डुगू और जिया, बहुत खुश है आज, बहुत 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 ज़्यादा ही खुश हैं, और अब क्या है आपको अब मैं जा रही हूँ घूमने घूमने, बड़ी सारी घूमने घूमने जा रही हूँ, बहुत सारी घूमने करने जाऊँगी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और इतना अच्छा सा पूरा दिन निकल गया, बीच में हम सो भी गए थे, और क्या बोलते हैं उसके बाद हमने खाना खाया है, चाय तो हमने 3 बार पी ली, और इतनी चाय पी है, इतनी चाय पी है, आपने एक बार भी नहीं पी,
अच्छा आराना नहीं, एक बार भी नहीं, क्योंकि राजा सो गए थे, सुबह गए हैं और सो गए हैं। बट आराम से तो चलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड। हम लोग शुरुआत करेंगे इसके बाद दूसरे ब्लॉग की, जिसमें जा रहे हैं घूमने नामी पे, बहुत मजा आने वाला है। फर्स्ट टाइम मैके वालों के साथ जा रही हूँ, ये वाली घूमने। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद विद अ न्यू ब्लॉग।